नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे जी के वीडियो देखने के लिए स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। चलो आज की जी के वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं? आपके ऑप्शन है A2, B3, C4, D5। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन B3। आपका दूसरा सवाल है, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है? आपके ऑप्शन है ए विक्रम, बी प्रज्ञान, सी आदित्य, डी बाहुबली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विक्रम। आपका तीसरा सवाल है, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? आपके ऑप्शन है ए विक्रम, बी प्रज्ञान, सी आदित्य, डी बाहुबली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रज्ञान। आपका चौथा सवाल है, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रोटल सक्षम इंजन है? आपके ऑप्शन है A2, B4, C5, D7। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन B4। आपका पांचवा सवाल है, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? आपके ऑप्शन है ए दूसरा, बी पहला, सी तीसरा, डी चौथा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पहला। आपका छठवां सवाल है, चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 15 अगस्त 2010, बी 17 जनवरी 2009, सी 18 जून 2005, डी 22 अक्टूबर 2008। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 22 अक्टूबर 2008। आपका सातवां सवाल है, चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 22 जुलाई 2019, बी 15 जुलाई 2019, सी 21 जुलाई 2019, डी 30 जुलाई 2019। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 2019। आपका आठवां सवाल है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन है ए एस सोमनाथ, बी के सिवना, सी अमित शाह, डी एस जयशंकर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एस सोमनाथ। आपका नौवां सवाल है, भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? आपके ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 21 नवंबर 1963, डी 28 नवंबर 1956। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 21 नवंबर 1963। आपका दसवां सवाल है, चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? आपके ऑप्शन है ए 8 मिनट 16 सेकंड, बी 1.28 सेकंड, सी 15 सेकंड, डी 60 मिनट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1.28 सेकंड।